सो अब हम आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है चैप्टर का। सो यहाँ पर हम पहले बेसिक समझेंगे कि जो डायग्राम्स हम बनाते हैं तीन वो ट्यूब वाले क्या है, वो समझ में ही नहीं आते हैं बहुत लेवल तक। तो ये पहले के दो मिनट अगर बेसिक समझ गया तो सब समझ जाएगा। सो यहाँ पर अब हमें पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। अब हमें पता है कि स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी। स्टेशनरी वेव बनेगी जब दोनों साइड से कुछ ऑपोजिट वेव्स क्रॉस हो, मीट करें और जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ये है पहली कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन। और लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी। ट्रांसवर्स तो हमने स्ट्रिंग पे बना दी, लॉन्जिट्यूडनल मतलब साउंड वेव, तो वो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट और ऑर्गन पाइप, क्योंकि वो थोड़ा इजी है समझाने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं, बताता हूं वो भी, कि पाइप कैसे हो सकता है ऑर्गन पाइप। या तो दोनों साइड खुला हो सकता है, ओके, या तो एक साइड बंद हो सकता है। फ्लूट्स के भी अलग अलग टाइप आते हैं, हाँ, फ्लूट्स और ऑर्गन पाइप के अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो या तो दोनों साइड ओपन या तो दोनों साइड क्लोज, ऐसा हो सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब क्लोज करने का क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर क्लोज इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें दो वेव्स चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी की। बट अगर क्लोज है तो जनरेट कौन करेगा, बताता हूं। सो अगर मैंने यहां से एक वेव भेजी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो मुझे पता है कि एयर है यहां पर और यहां पर है रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री से पहले ही डिस्कस किया है कि वेव रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वही तो कंडीशन है स्टेशनरी वेव की। तो यही इसके पीछे का लॉजिक है, बेसिक लॉजिक। पर यहां पर अगर हम देखें इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में यहां भी एयर है और यहां भी एयर है, तो सोचने वाली बात है कि दोनों जगह मीडियम सेम है, बट मीडियम सेम नहीं है। मतलब ये क्या होगा, यानी कि यूनिफॉर्मिटी सेम नहीं है। मीडियम तो एयर है बट यूनिफॉर्मिटी सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर फ्री एयर है पूरी की पूरी और यहां पर फ्री एयर नहीं है, तो यहां पर भी थोड़ी सी बाउंड्रीज बन ही गई। तो यहां पर क्या होगी सिचुएशन, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये रीजन क्या है, फ्री रीजन है, और ये रीजन क्या है, बाउंड रीजन है, ओके। अब स्टेशनरी वेव में दो चीजें होती है, नोड्स और एंटी नोड्स। एंटी नोड मतलब जिसे डिस्प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम जगह चाहिए, नोड मतलब जिसको जीरो जगह चाहिए, यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो सोच सकते हैं नोड कहां बनेगा, सो नोड बनेगा यहां पर क्योंकि बाउंड है, समझ में आ रहा है। और एंटी नोड कहां बनेगा, एंटी नोड बनेगा ऊपर वाले सरफेस पे। यहां क्या सिचुएशन होगी, यहां नीचे भी फ्री है और इधर भी फ्री है। सो आप सोच रहे होंगे कि अंदर भी तो फ्री ही है ना, एयर ही है, मतलब खाली ही है ना पूरा। तो एंटी नोड का डेफिनेशन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनके वजह से यहां नहीं मिल पाएगा और यहां जबकि मिल पाएगा इस पोजीशन पे। सो अगेन यहां भी टॉप पे क्या बनेगा, एंटी नोड, एंटी नोड और बीच में नोड, और इसमें यहां एंटी नोड, यहां नोड। अब पॉज करके अपने टेक्स्ट बुक्स के डायग्राम चेक करो और ऐसा है कि नहीं रेफर करो। तो अब मेजोरिटी पार्ट आपका हो गया एक्चुअली। तो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, सो बेसिक तो हम देख चुके हैं। सो मुझे पता भी है यहां पर कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सो मुझे पता है कि यहां तो नोड ही बनेगा, फिक्स है, यहां एंटी नोड ही बनेगा, फिक्स है। तो पहला केस एकदम सिंपल ही लेते हैं हम, नोड ही बनाते हैं नीचे और ऊपर एक एंटी नोड ही बनाते हैं, ओके। सो ये है नोड, ये है एंटी नोड। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, सो लेंथ के लिए एक नया डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। कुछ ऐसी होती है हमारी स्टेशनरी वेव, ये लेंथ होती है लैम्डा, उसके नीचे की लेंथ होती है लैम्डा बाय टू यहां तक, और ये लेंथ होती है लैम्डा बाय फोर, जो कि है नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड एंड नोड। सो अब इसके लिए अगर हम वेलोसिटी देखें, यानी कि v इज इक्वल्स टू दी n लैम्डा, n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। सो वेवलेंथ कितनी है नोड से लेके एंटी नोड, यानी कि नोड से लेके एंटी नोड, लैम्डा बाय फोर। सो v अपॉन
सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा एल इज इक्वल टू दी लैम्डा बाय 4, तो ये मुझे मिलेगा 4L यहाँ पर। सो यहाँ पर आकर मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, तो ये पता कैसे चलेगा, यहाँ पर साउंड मैक्सिमम आएगा, ये रेजोनेंस ट्यूब में कर चुके हैं हम। लेंथ हम चेंज क्यों करते हैं रेजोनेंस में, हम लेंथ इसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ रही है बात, इसके बराबर लाने की कोशिश। सो नेक्स्ट केस क्या होगा, रेजोनेंस ट्यूब में हम ये भी देख लेंगे, पहले मैक्सिमम आती है, फिर लेंथ चेंज करो फिर मिनिमम आती है, फिर अगेन मैक्सिमम आती है। तो अभी यहां मैक्सिमम मिला तो मुझे पता चला कि हाँ स्टेशनरी वेव बन रही है, रेजोनेंस हो रहा है। अब फिर सेकंड मैक्सिमम कब मिलेगा, सो इधर तो नोड फिक्स है, यहां एंटी नोड फिक्स है, इतनी चीजें तो फिक्स है, क्यों ना कुछ बीच में, देखो यहां नोड फिक्स है, यहां एंटी नोड फिक्स है, ठीक है, क्यों ना मैं ये वाला सेक्शन भी तो पॉसिबल है, ये भी सिचुएशन तो पॉसिबल है यहां पर आने की, तो मैं यही यहां बनाने की कोशिश करता हूं। सो मैं क्या करूंगा, वही लूंगा उतने ही साइज का नोड और एंटी नोड। अब पहला डायग्राम जो केस वन है वो है ये नोड से ये एंटी नोड तक, बट वेव यहां से यहां भी तो बन सकती है। सो नोड, उसके बाद एक एंटी नोड, उसके बाद एक नोड एंड फाइनली एक एंटी नोड, तो कुछ ऐसा बनेगा और अगेन वहां से कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। सो नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। सो डायग्राम थोड़ा एक्सटेंड हो गया मेरे से, बट ठीक है मैं रब कर देता हूं। सो कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे मिल जाएगी। सो आप डायग्राम के मामले में थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी अनफॉर्चुनेटली। सो कुछ ऐसी स्थिति यहां पर क्रिएट होगी। सो यहां पर लेंथ कितनी है टोटल, सो नोड से लेके दूसरे नोड तक, नोड से लेके दूसरे नोड तक लेंथ है लैम्डा बाय 2। सो ये हो गई लैम्डा बाय 2। उसके बाद नोड से लेके एंटी नोड, नोड से एंटी नोड अभी अभी देख चुके हैं, लेंथ है लैम्डा बाय 4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं, 4 लैम्डा बाय 2 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 8, ये मिलेगा 6 लैम्डा बाय 8, जो कि हो जाएगा 3 बाय 4 लैम्डा। सो ये है मेरी लेंथ। सो लैम्डा क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा 4L बाय 3। अगेन अगर मैं अगेन फ्रीक्वेंसी फाइंड करूं, सो मुझे मिलेगा V बाय लैम्डा और लैम्डा खुद है 4L बाय 3। सो कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसे यहीं पर ड्रॉप करते हैं। सो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस, अब ये एंटी नोड तक तो मैं पहुंच गया, नेक्स्ट केस हो सकता है कि एंटी नोड इसके बाद वाला मिले, यानी कि यहां तक एक्सटेंड हो मेरा डायग्राम, ये भी पॉसिबल है। सो बस वही करने की कोशिश करते हैं। सो नोड के बाद एक एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड और तीसरा होना चाहिए बाहर। सो ये एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड और ये तीसरा एंटी नोड, इस तरीके से यहां से भी निकलेगा एक एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड, तीसरा। सो नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड एंड फाइनली नोड एंड फाइनली यहां पर एंटी नोड। सो यहां पर लेंथ कितनी है, सो नोड से लेके नोड, फिर नोड से लेके नोड, नोड से लेके नोड और अगेन नोड से लेके नोड तक की लेंथ है ये हमारी लैम्डा। सो लैम्डा यहां पर आ जाएगा प्लस नोड से लेके एंटी नोड, यानी कि नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4। सो दैट्स इट, 4 यहां पे मल्टीप्लाई 5 लैम्डा बाय 4। सो एन यहां पे हो जाएगा वी बाय लैम्डा, अभी लैम्डा की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा इसकी, सो हो जाएगा 4L डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाएगा 5। सो यहां मिलेगा 5V अपॉन 4L। अब सारी सिचुएशंस मुझे लिखनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो बस मैं बस इक्वेट करते जाऊंगा, कुछ और नहीं करना है हमें, बस इक्वेट करना है अभी। ओके, सो इक्वेट करना है मुझे, यहां पर V की वैल्यू क्या मिलेगी, V की वैल्यू मिलेगी 4NL। तो अब इस सिचुएशन में यानी कि N इज इक्वल टू दी V अपॉन 4L, इतना फिक्स है, और V इज इक्वल टू दी 4NL भी फिक्स है, इसको कहता हूं N2, इसको कहता हूं N3। सो N2 मुझे क्या पता है, 3 टाइम्स V, V खुद क्या है, V है 4NL अपॉन में 4L, L 4 L 4 कैंसिल मिला 3N, वहां से N3 अगर चर्चा करूं तो 5V, V खुद क्या है 4NL,
डिवाइड में 4l ऑटोमेटिकली है, सो सब कैंसिल, मिलेगा 5n. सो दैट्स इट, ये है हमारा डेरिवेशन, और n तो इतना ही रहेगा खुद. सो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर जो हमें वास्तव में मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीग्रल टर्म्स हैं, ना कि इवन. तो जैसे मैंने हार्मोनिक्स में बताया था, तो हम क्या करेंगे, हार्मोनिक सब रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, ये हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक. ओके, बट ओवरटोन कौन सा रहेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद मिला है, और ये हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन. ओके, सो ऐसी कुछ सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो जाएगी. सो ये था हमारा पहला डेरिवेशन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे पाइप क्लोज्ड एट टू एंड. सो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा. अगर लॉजिकली समझोगे और जो शुरुआत में बेस बताया, बेसिक, वो अगर पता है तो फिर तकलीफ नहीं होगी. अगर थोड़ी बहुत भी रट्टा मारा है तो फिर जल्दी जल्दी भूलते रहोगे, वो फिर ग्राफ उसका फटाफट नीचे चले जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ समझा है.